आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब एक इंजीनियर साइट पे जाता है और बीम की सरिया चेक करनी होती है तो उसको क्या क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरिया का नंबर सही दिया कि नहीं दिया, कि भैया ऊपर टॉप में तीन बार डालनी थी, मेन बार तो प्रॉपर दिया कि नहीं दिया। इसके साथ ही देखेंगे ए टॉप स्ट्रा, ये देखो अब नियर सपोर्ट स्ट्रा डाली हुई है, टॉप स्ट्रा प्रॉपर दिया कि नहीं गया, उसकी लेंथ जो भी L/3 L/4 एज पर ड्रॉइंग दी है कि नहीं दी है। इसके साथ ही साथ देखेंगे स्पेसर बार कि दो लेयर के बीच में एक बार डाली गई, आप देख पा रहे हो, जो इसका काम क्या होता है कि दो लेयर को अलग करता है ताकि इसमें एग्रीगेट घुस जाए। मिनिमम साइज 25 mm का दिया है कि नहीं दिया। जो ये रिंग है, इन रिंग की स्पेसिंग देखना भी काफी जरूरी है कि भाई ये जो रिंग की स्पेसिंग है प्रॉपर दिया है कि नहीं दिया। इसके साथ ही साथ ये रिंग का जो हुक है ये अल्टरनेट है कि नहीं है, देखो एक हुक इधर है, एक हुक इधर है, एक हुक इधर है, एक हुक इधर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे हुक एक ही जैसे हो जाए, कि ये भी एक हुक इधर है तो दूसरा भी इधर ही तरफ हो जाए, तीसरा भी नहीं, ये अल्टरनेट होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसमें देखूंगा कि जो हुक लेंथ है ये हुक लेंथ प्रॉपर दिया कि नहीं दिया, हुक का बेंड प्रॉपर है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ सबसे जरूरी काम अपन देखेंगे कि जो एल है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, प्रॉपर मारा गया कि नहीं मारा गया, ये एल प्रॉपर यहां तक होना चाहिए, ये देख लो 50 डिग्री दिया गया है कि नहीं दिया।